बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता दें, जहां पर हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। आपको बता दें मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद थे, जहां पर बीजेपी के जिलाध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ की मीटिंग हुई। बैठक में सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। जिलाध्यक्षों को मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है। आपको बता दें सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे लोगों तक पहुंच रहा है, इस बारे में चर्चा हुई। परिवार पहचान पत्र के फायदे भी बताए गए। तो ये महत्वपूर्ण मीटिंग हरियाणा निवास से खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद थे। तमाम जिलाध्यक्ष कार्यकर्ता बीजेपी के इस बैठक में मौजूद थे, जिसमें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है जिलाध्यक्षों को। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र के भी फायदे गिनवाए गए हैं, ताकि जिलाध्यक्ष और बीजेपी के कार्यकर्ता जन जन तक जाकर सरकारी योजनाओं के फायदे उन तक पहुंचाएं। इस खबर पर हमारे सहयोगी राकेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। राकेश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? बैठक खत्म हो चुकी है, कौन कौन से अहम मसले रहे जिन पर चर्चा हुई? देखिए, बैठक जो है खत्म हो चुकी है और दूसरे चरण की बैठक भी शुरू हो गई। अभी जिलाध्यक्षों और पूर्व जिलाध्यक्षों की बैठक थी। इस बैठक में जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जो अंत्योदय को लेकर की अंतिम व्यक्ति तक जो है लाभ पहुंचे योजनाओं का, और आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री 1 लाख जो सबसे गरीब परिवार है उन्हें चिन्हित करने की बात पहले कर चुके हैं और उनकी आमदन बढ़ाने की बात कर चुके हैं। इसी सब को लेकर जो है आज की बैठक में यह चर्चा का विषय रहा और इन्हें बकायदा प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो सरकार की पॉलिसी है किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए, इस बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक खत्म हो चुकी है, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में ये बैठक हुई है।